Assalamualaikum माई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल लाइफ स्टाइल विद साधिया बदल आज का ट्यूटोियल ग्लैम लोग ब्राइडल मेकअवर कर रहे हैं और वो निकाह का ब्राइड मेकअप कर रहे हैं ठीक है आजकल के आपको पता है निकाह के फंक्शन में जो हम लोग का निकाह का फंक्शन होता है तो वो ब्राइड्स बहुत लाइट सा मेकअप करती हैं तो जल्दी से काशी का हम लोगों ने सबसे पहले लिया है जी काशी की बेस यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कवरेज फुल चाहिए थी हम लोगों को आई बेस भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास फाउंडेशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन फाउंडेशन हाई कवेज यूज़ करनी है क्योंकि एक ब्राइडल का आपको पता है कि फ़ोटो होता है निकाह पर भी बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हम लोगों ने अपनी लुक जो कलर्स कम्बिनेशन है आई वो आई मेकअप के वो लाइट रखने हैं लेकिन हमारी बेस अच्छी होनी चाहिए ठीक है जो उसके बाद मिस रोज का मैंने यूज़ किया है ब्लैक जेल लाइनर उसको मैं अच्छी तरह से अपनी आई को नीट कर लिया अगर आप ब्राउन यूज़ करना चाहते हैं तो आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं मैं हमेशा ब्लैक को प्रेफर करती हूँ अपनी आईज के लिए अपनी आईब्रोज़ के लिए ठीक है जो उसके बाद पुलिस से अच्छी तरह से आप लोगों ने कोम कर लेने हैं ताकि आपका जो हेयर्स हैं वो अच्छी तरह से सेटअप हो जाए और वो हो जाए उसके बाद ये फेबल की आई शेडो पैलेट यूज़ कर रहे हैं उसमें से हम ये महरून टाइप का ना लाइट पिंक शेड महरून टाइप का हम लोगों ने मेटालिक कलर ली है स्मॉल ब्रश के ऊपर उससे हम कॉर्नर पे ना जस्ट एंडिंग पे से एक विंग क्रिएट करेंगे और विंग बहुत लंबा नहीं क्रिएट करना छोटा सा विंग बनाएंगे ठीक है इसी मेटेलिक शेड के ऊपर उसके बाद हम इसी मेटेलिक शेड के ऊपर डिफरेंट कलर्स अप्लाई करेंगे ठीक है जी उसके बाद मैं लूँगी बिकॉनिक की जो है ना हम लोगों ने आई शेडो पैलेट लेनी है ये आगे बिकॉनिक की आई शेडो पैलेट इसमें से मैंने सिल्वर टाइप का जो है ना बहुत ज़्यादा मेटैलिक तो पहला वाला जो था वो मेटेलिक कम था ठीक है ये वाला थोड़ा सा पोप मेटैलिक है जो आपकी आ, आई लुक को ना आपकी आई मेकअप को इन्हांस करता है वो लिया मैंने उसी के ऊपर मैंने रख दिया एम्बोस कर दिया उसके ऊपर जस्ट ना जो पहले मैंने अपनी आउटलाइन लगाई थी आप कह आप समझ लें कि जो पहले वाला था वो हम लोगों ने अपनी बेस बनाई थी ठीक है जी उसके बाद ये कलर रख दिया क्योंकि ये जो निका का हमारा लुक है बहुत लाइट है, बहुत डिफरेंट कलर भी है इसके उसके बाद थ्री डी हाई लाइटर ले रही हूँ थ्री डी हाईलाइटर ले रही हूँ उसमें से मैंने मूव और सिल्वर कलर का लिए है यह मिकसिंग थ्री डी हाईलाइटर है ठीक है थ्री डी हाईलाइटर का मतलब होता है उसके अंदर तीन या चार कलर्स होते हैं ठीक है सिंपल uh, जो हाईलाइटर होता है जस्ट उसमें एक टोन मिलती है लेकिन जब आप थ्री डी हाईलाइटर की बात करते हो तो उसके अंदर मिक्सिंग टोन आपको मिलती है एक थ्री डी हाईलाइटर से मैंने अपनी ब्रोबोन को भी हाईलाइट कर लिया और अपने आईकॉर्नर को भी अच्छी तरह से हाईलाइट कर लिया उसके बाद हम ले रहे हैं जो मिस रोज का वाइट काजल इनर आइज़ के लिए इनराइज़ में हम लोगों ने इसको ब्राइट दिखाना है अपनी आइस को तो जब हम ब्राइट दिखाते हैं अपनी आइस को बड़ा बड़ा दिखाना होता है तो हमें वाइट कलर की तरफ जाना था और जब अपनी आइस को छोटा दिखाना होता है तो हम ब्लैक की तरफ जाते हैं तो हमने वाइट जो है मिसर का काजल लगा लिया और उसके बाद मैंने लोड लेश लाइन में वही गोल्डन थ्री डी हाईलाइटर यूज़ किया ठीक है गोल्डन कोपर टाइप में था वो थ्री डी हाईलाइटर यूज़ किया उसका शेड ऑरेंज वो बहुत खूबसूरत लग रहा था गोल्डन टाइप में उसके बाद जी थ्री डी हम यूज़ करें हैं मस्कारा मस्कारा अप्लाई कर लें अच्छी तरह से कोटिंग कर ले उसके बाद कर कर्लौन का मैंने सीलर लिया है सीलर लगाएंगे जहाँ जहाँ हमें चंक्स चाहिए ठीक है जहाँ जहाँ हमने चंकी ग्लिटर्स लगाने हैं जस्ट वहाँ पे हमने सीलर लगाना है आईलेट के ऊपर क्योंकि आजकल जो चंकी ग्लिटर्स जो चल रहे हैं वो मिड ऑफ द आपकी आईलेट चल रहा है ठीक है आई बॉल के अंदर जो मिड ऑफ ना जहाँ पे हमारा आई बॉल होता है उसके ऊपर जो है ना चंकी ग्लिटर्स का बहुत आजकल ट्रेंड है तो मैंने भी वही लुक क्रिएट की ताकि आप लोगों को पता है ट्रेंडिंग लुक आप लोगों को चाहिए जो आजकल फंक्शंस में चल रही है जो आजकल ब्राइड्स कर रही हैं जो आजकल पार्टी वेयर चल रहा है आपको वही लुक्स मैं आपको ले आपके लिए लेके आती हूँ वही मैं आपके लिए सारे मेकअप्स जो है ना वो लेके आती हूँ उसके बाद अच्छा मैंने एक पहले कॉपर यूज़ किया ठीक है गोल्डन टाइप का था उसके बाद मैंने थोड़ा सा पिंकी शेड भी दिया क्योंकि मेरे पूरे आई मेकअप में आपको पिंक पिंक जरा कलर लग रहा था तो मैंने कहा दोनों को मिक्सअप कर लेते उसके बाद मिस रोज़ का मैंने लिया है जेल लाइनर वो मार्कर जेल लाइनर मैंने लेशेज़ लगा ली थी तो लेशेज़ जो है वो मेरी दूसरी हैं फेक लेशेज़ हैं और वो जो है वो, दूसरी मैग्नेटिक का रेशज़ हैं उसके लिए उससे उसके लिए ना पहले से हम लोगों को लाइनर अप्लाई करना पड़ता है मैग्नेटिक उसके बाद वो अटैच हो जाती हैं तो जो फिर बाकी मेरा आई की लुक होती है ना वो मार्कर से मैं फिलअप कर लेती हूँ तो ये हो गया जी फुल ट्यूटोरियल फुल मेकअप रेडी बहुत प्यारा ग्लैम सॉफ्ट बहुत खूबसूरत वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें शेयर कर दें कमेंट करें अच्छा सा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपना बहुत सारा ख्याल रखें में याद रखें लाइफ स्टाइल भी शादिया बदल अला हाफिज जनाब के लिए जरा उली ची